क्रिप्टो करेंसी का दौर क्या अपने आखिरी दिन गिन रहा है? आप सोचेंगे कि हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। बात वाजिब है, लेकिन ऐसी कई वजहें हैं जिनसे ये आशंका पैदा हो रही है कि शायद क्रिप्टो का सितारा चमक कर टूटने की कगार पर आ गया है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी पिछले एक साल में बुरी तरह से पिटी है। अपने यहाँ की बात करें तो सरकार भले ही इन्हें अवैध न माने, लेकिन वो नियम कायदे इतने कड़े कर रही है कि लोगों के लिए इन सो कॉल्ड डिजिटल असेट्स में पैसा लगाना बेमानी होने लगा है। खैर, भारत की बात बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिप्टो में आखिर चल क्या रहा है। अब सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को ही देख लीजिए। गुजरे 3 महीने में इसके दाम 15% से ज़्यादा गिरे हैं। ऐसा तब है जब हाल में इनके दाम रिकवर हुए हैं। गुरुवार को बिटकॉइन $43,000 के करीब था। 3 महीने में इसने 51,987 का हाई छुआ था और ये 33,000 के लो तक चला गया था। आखिर क्रिप्टो की चमक फीकी क्यों होती जा रही है? इसकी एक नहीं, कई वजहें हैं। एक तो दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी सरकारों के हलक में अटकी हुई है। क्रिप्टो को बैन करना किसी सरकार के लिए आसान नहीं है, लेकिन कोई सरकार इसे फलने फूलने भी नहीं देना चाहती। ये बात इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे अब समझ आने लगी है। हाँ, रूस यूक्रेन की लड़ाई से दुनिया भर में हाहाकार मचा, तो क्रिप्टो को थोड़ा चमकने का मौका जरूर मिल गया। 24 फरवरी से 24 मार्च के बीच बिटकॉइन का दाम 23% चढ़ा है। भले ही दाम में रिकवरी हुई हो, लेकिन ये पिछले साल नवंबर के $68,000 से $69,000 के लेवल से अभी भी काफी नीचे है। अब इससे अंदाजा लग रहा है कि इन्वेस्टर की दिलचस्पी क्रिप्टो करेंसी में घट रही है। पिछले साल अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो को लेन देन के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी थी, और इससे क्रिप्टो के बाजार में उम्मीदों की शहनाइयां भी बच गईं। लेकिन बाद में आस टूट गई, क्योंकि सल्वाडोर में भी कोई बड़े सौदे नहीं हुए। अब चलिए फिर से चलते हैं अपने देश। 1.5 साल से भारत में क्रिप्टो पर भारी द्वंद्व तूफान मचा हुआ है। एक्सचेंजों की बाढ़ आ गई, ऊंचे ऊंचे दावे होने लगे। इतने करोड़ निवेशक, कितने अरब का इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंजों की बातें सुने तो चक्कर ही आ जाए। उस पर आप कुछ भी करने जाइए, क्रिप्टो के ऐड आपके पीछे पड़े रहते थे। RBI, सरकार, सब परेशान। सरकार के दिमाग में आइडिया ये आया कि क्रिप्टो के रास्ते में इतने गड्ढे खोद दो कि इन्वेस्टर्स और एक्सचेंज दोनों ही दुखी हो जाएं। तो क्रिप्टो को मान लिया गया जुआ और ठोक दिया गया 30% टैक्स। अब सरकार फाइनेंस बिल में बदलाव कर क्रिप्टो के कानूनों को और सख्त कर रही है, यानी किसी दूसरे क्वाइन में हुए लॉस से सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। इन बदलावों में पेनाल्टी के प्रावधान भी हैं। सरकार की ये तरकीब काम भी आ रही है। भारत में क्रिप्टो की बगिया जैसे सूख सी गई। अब क्रिप्टो के ऐड भी नदारद है और लंबे चौड़े दावे भी। हाल में हुए घाटे से लोग भी उकता गए हैं। 30% टैक्स का पंगा कोई क्यों ले भाई? कभी ऐसा लग रहा था कि शेयर बाजार का पैसा निकलेगा तो क्रिप्टो में जाएगा, लेकिन अब ये थ्योरी भी फर्जी लग रही है। खैर, जो क्रिप्टो कभी लोगों को माला माल बना रहा था, आज उसे लेकर एक अनजान सा डर लोगों में दिखाई दे रहा है। बाकी सरकारों की सख्ती इस धंधे को डुबोने में कारगर साबित होती दिख रही है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।